और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को यूपी बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं के टॉपर्स को लैपटॉप देकर सम्मानित किया है। और इस मौके पर अखिलेश ने यूपी की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम यूपी के टॉपर्स को लैपटॉप बांटने का अपना वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन झूठे वादे करने वाली बीजेपी सरकार किसानों, नौजवानों और आम जनता से वादे करके भूल गई है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि यूपी बोर्ड के पास सभी छात्रों को बिना भेदभाव के लैपटॉप और मुफ्त डेटा देंगे। ये लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं हम बच्चों को, सरकार को याद दिलाना चाहते हैं सरकार कुछ भूल गई है। बीजेपी पार्टी चुनाव के समय पर और चुनाव से पहले ये आरोप लगाते रहे